हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 4 बाइकों के बारे में, जो कि आपको 2022 की मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। और ये सभी बाइकें इंडियन मार्केट की मोस्ट वेटेड बाइकें हैं। काफी सारे लोग इन बाइकों के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बाइक लॉन्च होगी इंडियन मार्केट में तो ये सेगमेंट में आने वाली काफी सारी बाइकों की सेल्स को डाउन कर देगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन बाइकों की लॉन्च डेट क्या रहने वाली है, बाइक में कौन कौन से फीचर्स होंगे, बाइक में कितना माइलेज आपको देखने को मिलेगा, और लॉन्च होने पर इन सभी बाइक्स का क्या प्राइस रखा जाएगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। तो अगर आप आने वाले टाइम में किसी न्यू बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले नंबर पर है हीरो की तरफ से आने वाली हीरो एक्सपल्स 400। फिलहाल में काफी बातें चल रही थी कि हीरो की तरफ से हीरो एक्सपल्स 300 आने वाली है, लेकिन अब आपको हीरो की तरफ से 400 सीसी की एक्सपल्स देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं हीरो एक्सपल्स 400 के बारे में। तो इस बाइक में आपको 400 से 450 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 45 से 50 bhp की। और इस पावर के साथ ये बाइक 170 से 180 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बाइक के फीचर्स वगैरह के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको सबसे पहले डुअल चैनल ABS मिल जाएंगे आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स होंगे। बाइक का कंसोल फुली डिजिटल रहने वाला है, जिसमें आपको काफी सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और जो बाइक के एडवांस फीचर होने वाले हैं ना, उसमें आपको मोबाइल फोन कनेक्टिविटी मिल जाएगी, 10x10 नेविगेशन रहने वाला है हीरो की तरफ से। बाकी बाइक में थोड़े बहुत फीचर्स और भी आएंगे, उसका भी पता नहीं चला है। तो हम बात करते हैं बाइक के सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट पार्ट में आपको इसमें टेलीस्कोपिक फोक ही देखने को मिलेगा, रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जा रहा है। और बाइक में आपको सभी पार्ट्स में LED लाइट्स मिलने वाली है हीरो की तरफ से, जिससे आपको फर्दर कोई भी एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाइक के डायमेंशन में इस बाइक का कर्व वेट आपको देखने को मिलेगा 200 से 230 kg के अराउंड। बाइक में 270 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस होगी और इस बाइक की सीट हाइट होगी 850 mm से 890 mm की, जो कि बिल्कुल फेयर में नहीं रहने वाली है शोल्डर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में काफी दिक्कतें आएंगी। और दोस्तों, बाइक में 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहेगी और ये बाइक आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। बाकी चलिए बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको नवंबर से दिसंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट में। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 2,50,000 से 3,00,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा इंश्योरेंस RTO लगाकर 2,70,000 से 3,30,000 के प्राइस पर। तो दोस्तों, अगली बाइक है यामाहा की तरफ से यामाहा FZ V4। अब फिलहाल में इंटरनेशनल मार्केट में ये बाइक पूरी तरह से लॉन्च हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी इंडियन मार्केट में इस बाइक का लॉन्च होना बाकी है। और फिलहाल में काफी सारे लोग इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं यामाहा FZ V4 के बारे में। बाइक के जो फ्रंट पार्ट की हेडलाइट है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, जो कि इंस्पायर है FZ25 से। बाकी जो बाइक के ग्राफिक्स होने वाले वो आपको सेम देखने को मिलेंगे पुराने वाले, और जो बाइक का रियर पार्ट है ना वो भी सेम रखा गया है FZ V3 से। मतलब ओवरऑल इसके फ्रंट हेडलाइट को चेंज करा गया है, बाकी पूरी बाइक सेम है। इनफैक्ट बाइक के कंसोल को भी इन्होंने सेम ही रखा है, छोटा सा भी आपको पुराना वाला कंसोल देखने को मिलेगा। तो अब आपको इस बाइक में फ्रंट पार्ट में प्रोजेक्टर लैंप मिल जाएगा। और मुझे इसके न्यू मॉडल में एक बात अच्छी लगी कि जो इसके फ्रंट पार्ट का हेडलाइट है ना वो काफी अग्रेसिव सा हो गया है, तो जो बाइक का ओवरऑल लुक है ना वो काफी सूट कर रहा है इस हेडलैम्प के साथ। बाकी बाइक में आपको सेम 149 सीसी का एयर कूल इंजन मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 bhp की 7250 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.3 न्यूटन मीटर का 5500 rpm पर। इस पावर के साथ ये बाइक 110 से 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स वगैरह के बारे में, तो आपको बाइक में सिंगल चैनल ABS मिल जाता है आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स है और बाइक का कंसोल अभी भी वही पुराना वाला है छोटा सा, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाते हैं। बाकी एडवांस फीचर में आपको इसमें यामा की मोबाइल फोन कनेक्टिविटी वाला फीचर मिल जाता है। और सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोक, रियर पार्ट में एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया गया है। और FZ के न्यू मॉडल के टायर साइज की बात करें तो इसके फ्रंट पार्ट का टायर है 100x80mm का, और रियर पार्ट का टायर है 140x60mm का। और न्यू मॉडल का डायमेंशन भी बिल्कुल सेम है, 135 kg का आपको इसमें कर्व वेट मिल जाएगा, 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और 790mm की इसकी सीट हाइट है, जो कि बिल्कुल फेवर में रहने वाली है शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको बाइक में 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, जो कि आपको 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। बाकी चलिए बात कर लेते हैं FZ न्यू मॉडल के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको आने वाले 1 से 2 महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड आपको ये बाइक अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और लॉन्च होने पर बाइक के प्राइस में 5 से 10 हजार का डिफरेंस आ सकता है।
एक्सपेक्टेड आपको ये बाइक 1,25,000 से 1,30,000 के एक्शन प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जो अगली बाइक है ना वो इंडियन मार्केट की मोस्ट अवेटेड बाइक है, जो कि आपको बजाज और ट्रायम्फ की तरफ से देखने को मिलने वाली है। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी कहा है कि ये बाइक आपको जल्दी ही लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। इस बाइक की जो टेस्ट राइडिंग है ना वो फिलहाल में खत्म ही हो गई है, मतलब बाइक की जो टेस्ट राइडिंग वगैरह वो इंटरनेशनल मार्केट में भी चल रही है। फिलहाल में जो इंडियन मार्केट में इसकी टेस्ट राइडिंग हो रही थी वो खत्म हो चुकी है, अब इस बाइक को इंटरनेशनल मार्केट में भी टेस्ट करा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक के बारे में। इस बाइक में आपको 250cc का इंजन देखने को मिल सकता है, जो इस बाइक के साथ मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 20 से 24 bhp की। और इस पावर के साथ ये बाइक 140 से 145 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स वगैरह के बारे में, तो आपको बाइक में डुअल चैनल एबीएस मिल जाएंगे आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स होंगे। बाइक में कंसोल फुल्ली डिजिटल होगा, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और बाइक के एडवांस फीचर में आपको इसमें मोबाइल फोन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बाकी सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोर्क्स का यूज किया जाने वाला है, और रियर पार्ट में आपको मोनोशॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलेगा। बाइक में लाइटनिंग LED रहने वाली है बाइक के सभी पार्ट्स में। और बाइक के टायर साइज में आपको इसके फ्रंट पार्ट का टायर मिलेगा 110/90 mm का, और रियर पार्ट का टायर मिलेगा 140/70 mm का। टायर आपको इसमें मल्टीपर्पज देखने को मिलेंगे अलॉय व्हील्स के साथ। और बाइक के डायमेंशन वगैरह की बात करें तो इस बाइक का कर्व वेट आपको देखने को मिलेगा 150 से 170 kg के अराउंड। बाइक में 180 से 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस होगी, और इस बाइक की सीट हाइट होगी 810 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाइक में आपको 12 से 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, और ये बाइक आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको दोस्तों अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 2,40,000 से 2,50,000 के शोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा इंश्योरेंस आरटीओ लगाकर 2,70,000 से 2,80,000 के ऑन रोड प्राइस पर। तो बात करते हैं अगली बाइक के बारे में, जो कि हस्क्वर्ना की तरफ से हस्क्वर्ना 125। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हस्क्वर्ना की 250cc कैटेगरी में आने वाली बाइकें अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, और इन दोनों ही मॉडल से कंपनी को काफी पॉजिटिव व्यूज मिले हैं। तो हस्क्वर्ना भी प्लानिंग कर रहा है दो मॉडल की बाइकों को लॉन्च करने के लिए। एक आपको 125cc कैटेगरी में देखने को मिलेगी, जिसमें ड्यूक 125 का इंजन का यूज किया जाएगा। दूसरी आपको देखने को मिलेगी 401cc में। फिलहाल हम बात करने वाले हैं 125cc की बाइक के बारे में, जिसकी टेस्ट राइडिंग फिलहाल में चल रही है। तो आपको बाइक में 124.7cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 14.5 bhp की 9,250 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 12 न्यूटन मीटर का 8,000 rpm पर। इस पावर के साथ ये बाइक 120 से 125 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स वगैरह के बारे में, तो आपको बाइक में सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स होंगे, और बाइक का कंसोल होगा राउंड शेप का फुल्ली डिजिटल, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और बाइक के सस्पेंशन में आपको इसमें फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाएंगे। बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा, जो कि 10 स्टेप एडजस्टेबल होगा। और बाइक के टायर साइज की बात करें तो इसके फ्रंट पार्ट का टायर होगा 110/70 mm का, और रियर पार्ट का टायर होगा 150/60 mm का, जो कि सेगमेंट में आने वाली काफी सारी बाइकों से वाइड टायर होगा। और बाइक में आपको पूरी तरह से LED लाइट्स मिलने वाली है कंपनी की तरफ से, जिससे आपको कोई भी फर्दर एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाइक के डायमेंशन में इस बाइक का कर्व वेट होगा 153 kg का। बाइक थोड़ी सी हैवी होगी बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइकों से। 145 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, और इस बाइक की सीट हाइट होगी 835 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में नहीं रहने वाली है शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें आएंगी। तो ये चीज मुझे काफी बेकार लगी कि इस बाइक की सीट हाइट काफी ऊंची है, तो काफी लोगों को परेशानी होगी इस चीज से। और दूसरी चीज में आपको 9.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि वाकई में काफी कम है। बाकी ये बाइक आपको 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो या फिर इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हो, तो ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बाइक नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बाइक का प्राइस थोड़ा सा हाई रखा जाएगा कंपेयर में 125cc बाइकों के, क्योंकि इसमें सभी प्रीमियम पार्ट का यूज किया गया है, जो कि आपको KTM Duke 125 में देखने को मिलते हैं। दोनों ही बाइकों का प्राइस लगभग सिमिलर रहेगा। बाकी चलिए बात करते हैं बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। ये बाइक आपको दोस्तों 2022 के एंड में या फिर 2023 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 1,35,000 से 1,40,000 के एक्शन प्राइस पर, 1,60,000 से 1,70,000 के ऑन रोड प्राइस पर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 4 बाइकों के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत बोलना कि इन चारों ही बाइकों में से आप कौन सी बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हो, और आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेस करने वाले हो। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।